हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। जय हिंद। हम इस वीडियो में देखेंगे कि सीबीआई क्या है, सीबीआई के कार्य क्या है, सीबीआई का पहले का क्या नाम था, बाद में इसको कब बदली किया गया। इसमें हम पूरा सीबीआई के बारे में पूरा डिटेल्स में चर्चा करेंगे। 1941 में समय देश जब आजाद नहीं हुआ तब ब्रिटिश टाइम से ही इसका शुरुआत हुआ था। उसमें सीबीआई नाम ना होकर के इसका नाम था स्पेशल पुलिस फोर्स। स्पेशल पुलिस फोर्स इसका नाम पहला स्टार्टिंग में हुआ करता था, सीबीआई ही थी लेकिन उसका नाम ये था, ठीक है। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहां था? हेडक्वार्टर इसका था लाहौर में, जो कि पाकिस्तान में आता है। उस समय तो हिंदुस्तान में ही था, इसका हेडक्वार्टर वहां था। और इसके जो पहले सुपरिटेंडेंट थे, उस समय सुपरिटेंडेंट होते थे, अभी जो इसके चीफ जो होते हैं सीबीआई के वो डायरेक्टर कहलाते हैं। उस समय डायरेक्टर नहीं कहलाते थे, उस समय सुपरिटेंडेंट कहलाते थे। तो उस समय का सुपरिटेंडेंट कौन था? सुपरिटेंडेंट का नाम याद रखिएगा आप लोग, कुर्बान अली खान नाम था। कुर्बान अली खान नाम था, ये फर्स्ट थे, ठीक है, 1941। फिर जैसे ही समय गुजरा, टाइम गुजरते गया, जब देश आजाद हुआ 1947 में, तब इसका हेडक्वार्टर कहां हो गया? दिल्ली, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, जैसे समय गुजरा तो सन 1962 में एक समिति बनी थी। उस समिति का नाम था संथानम समिति। ये समिति को बनने का उद्देश्य था कि मतलब कि भ्रष्टाचार पे वगैरह पे रोक लगाना, सुझाव देना, ये सब जो है ये समिति काम करती थी। तो इसने भारत सरकार को सुझाव था, उस समय के जो होम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री थे। तो इस समिति ने लाल बहादुर शास्त्री को सुझाव दिया कि सीबीआई का गठन जो है किया जाए। तो 1963 में एकदम सीबीआई का गठन हुआ, और उस समय का नाम उस समय जो है पहले जो डायरेक्टर थे उनका नाम क्या था? धर्मनाथ प्रसाद, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी नाम लिखेंगे तो भी चले, धर्मनाथ प्रसाद कोहली, ठीक है। सीबीआई के फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे? धर्मनाथ प्रसाद कोहली फर्स्ट डायरेक्टर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये सीरियल वाइज आप जो है नाम ध्यान में रखेंगे ना ये डेटा, तो आपको आसानी होगी याद करने, ठीक है। फर्स्ट कौन था डायरेक्टर? डीपी कोहली सीबीआई के। और पूछेगा कि स्पेशल फोर्स पुलिस फोर्स का स्टार्टिंग में जो फर्स्ट जो था वो कौन था सुपरिटेंडेंट? तो कुर्बान अली खान, ठीक है। अभी कौन है? अभी प्रेजेंट टाइम का जो डायरेक्टर है उनका नाम क्या है? प्रेजेंट टाइम मतलब अभी का, अभी जो सुबोध कुमार जायसवाल है, सुबोध कुमार जायसवाल है अभी के डायरेक्टर। अभी हम देखेंगे कि इसका कार्यकाल जो होते हैं, मतलब जो डायरेक्टर होते हैं इनका कार्यकाल कब तक रहता है, मतलब इनका कार्यकाल 2 साल का होता है। और जो है एक मतलब केंद्र सरकार का एक मतलब कि होता है, मतलब कि अध्यक्षता की जाती है, समिति बैठा जाता है, सिलेक्शन जब होता है इनका तो एक मीटिंग होती है। तो उसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, अभी के मोदी हैं। तो जब इसका चुनाव सिलेक्शन होगा सीबीआई डायरेक्टर का, तो
दो साल में होता है, लेकिन ये फिक्स नहीं कि दो साल में ही हो, एक कम ज्यादा हो सकता है। अगर कोई मान लो सीबीआई का डायरेक्टर जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो 2 साल से कम भी उसको निकाल सकते हैं, अगर ज्यादा ही अच्छा काम कर रहा है तो 2 साल के इसका टाइम अवधि बढ़ाया जा सकता है। इसमें सबसे जो ज्यादा समय तक इसमें जो कार्यरत थे उनका नाम क्या था, जो मैक्सिमम टाइम तक थे इसमें, उनका नाम था डीएन राव, ठीक है, सॉरी डीएन सेन नाम। लंबे समय तक ये डायरेक्टर थे, लगभग 6 साल, 6 साल तक थे अपने कार्यरत थे, 1 महीना कम था, 6 साल ही मतलब अंदाजा जो लग रही थी इंफॉर्मेशन की। और जो इसमें कम समय तक जो थे वो कौन थे, उनका नाम था आर शेखर। ये सिर्फ अपने मतलब कि टाइम के मतलब 1 महीने तक ही थे, 1 मंथ और 3 दिन तक थे बस। आज जब उनको जब ये गए थे, जब निकाला गया था उनको, वो 14 फरवरी था, 14 फरवरी था, जा वैलेंटाइन डे मना, कुछ गड़बड़ की हूँ, 14 फरवरी को ये निकाल दिए गए, ठीक है, वैलेंटाइन डे मनाओ भाई, तुम ऐश करो, ठीक है। इतना जो आप जो है स्टेप वाइज जो है ये ध्यान रखिए, बहुत इजी। तो कब गठित हुआ है मेन स्पेशल पुलिस फोर्स, ब्रिटिश टाइम 1941 में, हेडक्वार्टर कहाँ था उस समय, लाहौर में था। और अब हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है, मतलब सीबीआई का जो मेन ब्रांच है मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में, जो कि 1947 में बंदी कर दिया गया था। 1962 में एक संथानम समिति थी जिसने सिफारिश किया, क्या किया सिफारिश, इसी के सिफारिश पे जो है इसका जो नाम है ये सीबीआई में तब्दील हो गया। इसके जो फर्स्ट जो डायरेक्टर थे कौन था, डीपी कोहली, पहले डायरेक्टर नहीं होते थे, पहले क्या होते थे सुपरिटेंडेंट होते थे, पहला जो सुपरिटेंडेंट कौन था, कौन था, कुर्बान अली खान, ठीक है, लिख देता हूं, फर्स्ट सुपरिटेंडेंट, ठीक है। तो 1963 में जो है जब सीबीआई जब गठित हुआ उस समय के फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे, डीपी कोहली। और अभी के कौन है डायरेक्टर, सुबोध कुमार जायसवाल अभी के हैं। और जो सबसे ज्यादा समय तक इसमें था सेवा में था वो क्या नाम था उनका, डीएन सेन, 6 साल तक के लिए। और कम से कम समय तक कौन था, आर शेखर, ठीक है, 1 मंथ और 3 दिन के लिए बस। इतना समझ में आ गया, कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसका मोटो देखिए, इसका मोटो क्या है, इसका मोटो ये है ईमानदारी, निष्पक्षता, ठीक है, और कठिन परिश्रम यानी हार्ड वर्क इसका मोटो है, ठीक है। और ये किस चीज की जांच करती है, क्या क्या जांच करती है वो देखिए। ये जो है घोटाला हो गया, जैसा सुनते हैं ना हम लोग, पहले घोटाला होता था, अभी तो इतना घोटाला सामने नहीं आ रहा, पहले घोटाला बहुत होते थे, जैसे कि कोयला घोटाला, जहाज घोटाला, पेट्रोल घोटाला, पता नहीं क्या क्या घोटाला होता था। तो सब कौन जांच कर रहा था, सीबीआई जांच कर, ठीक है, कोयला घोटाला हो गया, रेप जैसा ये सब हो गया, अपराध जैसी चीज, हत्या हो गया, ये सब चीज का जांच कौन करता, सीबीआई। ये जो है किसके आदेश पे जांच करती है, ऑर्डर बाय
या तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार आदेश दे सकती है, या फिर हाई कोर्ट भी इसको ऑर्डर दे सकती है। ठीक है, हाई कोर्ट भी दे सकती है और सुप्रीम कोर्ट तो दे ही सकती है, भी हमारे सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, समझ जाइए आप। इसको कौन ऑर्डर देता है सब जांच का? केंद्र सरकार दे सकती है, मतलब सरकार जिसकी भी हो वो ऑर्डर दे सकती है, और हाई कोर्ट भी ऑर्डर दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। ठीक है, जो केंद्र सरकार है जी, सुने होंगे आप वो लालू के, लालू को मतलब काफी सालों से जो है मतलब उनका जांच कर रही थी। ठीक है, कौन सा घोटाला था लालू प्रसाद का? चारा घोटाला था, 1996 में जो हुआ था ना चारा घोटाला, वही है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ जाइएगा लाइन से, कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ। ओके।